झारखंड के सरायकेला खरसावा में नक्सलियों ने मंगलवार सुबह एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। बता दें कि नक्सलियों ने कुचाई इलाके में 209 कोबरा बटालियन और झारखंड पुलिस की टुकड़ी पर जोरदार आईडी धमाका किया। इस धमाके में पुलिस और 209 कोबरा के 15 से अधिक जवान घायल हो गए, जिनमें से 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि ब्लास्ट के बाद नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग भी की। इस घटना में घायल जवानों को सुबह 6:50 पर सेना के हेलीकॉप्टर से रांची एयरलिफ्ट किया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। घटना के बाद झारखंड के डीजीपी डीके पांडे ने कहा कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए काफी मात्रा में आईडी लगाया गया था, जिसको देखते हुए लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस ने संकल्प लिया है कि पूरे इलाके को नक्सलियों से मुक्त कराया जाएगा और झारखंड पुलिस उस संकल्प को पूरा करेगी। सरायकेला के ऊंचाई एरिया चुनाव के समय में नक्सलियों द्वारा चुनाव को बाधित करने के लिए भारी मात्रा में आईडी लगाया गया है। बहुत सारी आईडी अभी भी जंगलों में लगी हुई है और चुनाव के बाद लगी हुई आईडी से राज्य के और गांव के मवेशी और जनता किसी तरह से घायल नहीं हो, इसको लेकर के राज्य पुलिस द्वारा वहां पे नक्सलियों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया जा रहा है। उसी प्रक्रिया के तहत कोबरा झारखंड जगुआर और झारखंड पुलिस का ये संयुक्त अभियान वहां चल रहा है। वहां पे जो रेडिंग एरिया है, अरहंज एरिया है, वहां के अगल बगल के पहाड़ हैं, उन पहाड़ों पर जो नक्सली सीसी कमांडर है पतिराम मांझी, उसके द्वारा वहाँ पे आसपास के सभी क्षेत्रों में एंटी पर्सनल माइन और बड़ी माइन लगाई गई, उसका क्लियरिंग अभियान चल रहा है। उसी अभियान के तहत 3 दिन से जो अभियान प्रारंभ हुआ है, उसमें आज कोबरा और जगुआर की टीमें उस एरिया में गई थी और वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में एंटी पर्सनल माइन नक्सलियों के द्वारा ट्रिगर किया गया, जिसमें कुल 11 जवान हमारे घायल हुए और जिनको हेलीकॉप्टर से आज मेडिकल लाया गया है। उसमें 9 जवान ऐसे हैं जिनको स्प्लिंटर इंजरी है, जो खतरे से बाहर हैं। 3 जवान गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका यहाँ पे इलाज चल रहा है और हम पूरी तरह से संकल्प के तहत उस एरिया को नक्सली मुक्त कराने का जो अभियान प्रारंभ किए हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि सरायकेला खरसावा को नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और यहां हमेशा कोई न कोई घटना घटती रहती है। चुनाव खत्म होने के बाद 20 मई को ही सरायकेला में एक नक्सली हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इससे पहले 3 मई को पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के सरायकेला जिले में चुनाव कार्यालय को बम से उड़ा दिया था। 26 अप्रैल को भी नक्सलियों ने पलामू जिले में बीजेपी के कार्यालय को उड़ाया था। नक्सलियों की बढ़ती घटना झारखंड पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सरायकेला से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।